स्कूल एंजल्स, वेलकम बैक टू ब्लश ब्लश। अनुप्रिया, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अफोर्डेबल हल्दी लुक करने वाली हूँ। ये लुक अगर आपकी हल्दी फंक्शन है तो भी आप कैरी कर सकते हैं। इसमें जो मैंने ज्वेलरी खरीदी है ये सिमसिम स्टोर से खरीदी है, और जो साड़ी पहनी है वो भी मैं सिमसिम स्टोर से ही खरीदी है। यहाँ पर मैं अफोर्डेबल सारी चीज़ें करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को प्रेप कर लिया है, उसके बाद मैंने इन लाइट का प्राइमर अपने फेस के ऊपर लगाया है। यहाँ पर मैं ADS का जो फाउंडेशन होता है, इसमें शेड बहुत ज़्यादा लाइट था तो इसे एज ए मैं कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे इसमें क्रीम कंसीलर आपको मिल जाता है, लेकिन मैं फाउंडेशन को ले रही हूँ क्योंकि ये लिक्विड कंसिस्टेंसी के साथ आता है। स्टे कोर्की के जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसकी काफ़ी अच्छी जो है आपके फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैच हो जाता है, मैट फिनिश के साथ आता है, तो उससे मैं सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं ADS का पैलेट ले रही हूँ, कुछ अराउंड 200-300 रुपए का है। उसमें से मैं न्यूड शेड लूँगी और अपने जो आईलिड है उस पर अप्लाई कर लूँगी ब्राउन शेड से, अच्छे से क्रीज लाइन को जब मैं अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। यहाँ पर ये पुणे स्टोर के ब्रशेज़ हैं, सभी के सभी जो आई ब्रशेज़ आते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अपनी आईलिड को डिफाइन कर लूँगी और अब मैं कट क्रीज बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा लगाकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कट क्रीज कैसे बनानी है, कितना लगाना है, और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं कंसीलर को जो है वो कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का ग्रीन काजल पेंसिल ले रही हूँ, जिसे आप अच्छे से जहाँ जहाँ आपने कंसीलर लगाया है वहाँ पर अप्लाई कर ले। कंसीलर इसलिए अप्लाई किया था ताकि ये जो ग्रीन कलर है ये उभर के निकल के आए। तो सिर्फ आईलिड के ऊपर लगाया है, कॉर्नर और साइड पे मैंने इसे छोड़ दिया है। अब दोबारा से सेम ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का सॉरी मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट, और उसमें से जो कॉपर शेड है उसे मैंने अप्लाई किया है जहाँ पर हमने ग्रीन कलर किया था, क्योंकि ये पार्टी लुक है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा पार्टी में। तो सेम मैंने वही कट क्रीज अप्लाई की है लिड के ऊपर। अब ग्रीन काजल अपने जहाँ जहाँ कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर अप्लाई कर लूँगी, हाथों की मदद से ब्लेंड कर लूँगी, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर वही सेम पैलेट से गोल्डन शेड लूँगी और इसे अप्लाई कर लूँगी अपनी आई लिड के ऊपर। जैसा जैसा मैं वीडियो में कर रही हूँ आप उसे देखते जाए और सीखते जाए। थोड़ा सा डिफाइन लुक इसे देंगे हम, और अच्छे से अब डिफाइन हो चुका है। तो अभी मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी। आईब्रोज़ को डिफाइन करने के लिए सेम ADS का फाउंडेशन लूँगी और उससे अपनी आईब्रोज़ को मैं डिफ़ाइन कर लूँगी। आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डिफ़ाइन कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ होगी वो निकल जाएगी। अगर आप पहले फाउंडेशन लगाते हैं तो भी आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं सेम मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ब्लैक कलर और ब्राउन कलर लूँगी और अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लूँगी। पाउडर जो आई शेडोज़ होते हैं उससे अगर आप आईब्रोज़ सेट करते हैं तो काफ़ी अच्छी डिफ़ाइन हो जाती हैं, काफ़ी अच्छे से निकल के आता है और एक एनहेंस लुक निकल के आता है। आप देख सकते हैं कि आईब्रो फिल करने से ये आईज़ कितनी प्रिटी लग रही हैं। तो यहाँ पर मैंने आईब्रोज़ को जो है वो फिल कर लिया है और ब्रश से एक्स्ट्रा एक्सेस मैंने निकाल लिया है। उसके बाद अभी आईब्रोज़ होने के बाद अभी मैं कंसीलर की जगह पे वही सेम ADS का कंसीलर और फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके पास कोई और फाउंडेशन ऐसा पड़ा है जो आपकी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप उसे कंसीलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैं फिट मे का फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ, मैट फिनिश के साथ आता है और एयर ब्रश लुक देता है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डॉट डॉट में मैं इसे अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लूँगी ताकि ये इक्वली ब्लेंड हो जाए। सेम वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपने पूरे फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर लूँगी डैब डैब करके, ताकि ये अच्छे से इक्वली स्प्रेड हो जाए और लुक जो है वो काफ़ी अच्छा निकल गया है। मुझे ये जब से मैंने ये फिट मी फाउंडेशन लगाना शुरू किया है उसके बाद से मुझे सिर्फ एक शुगर का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके अलावा मुझे कोई फाउंडेशन अच्छा नहीं लगता है। एक तो मीडियम टू फुल कवरेज देता है और ऊपर से काफ़ी मैट फिनिश होती है, एकदम से सेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे ये पसंद है। अभी यहाँ पर मैं CAL का कॉन्टोर स्टिक ले रही हूँ और इससे मैं अपनी नोज़ को
और अपने फेस को कॉन्टोर करने वाली हूँ। कॉन्टोर मैं किस तरीके से करती हूँ इस पे मेरा फुल वीडियो है, तो चेकआउट मत करना मत भूलिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या ऊपर यहीं कहीं आई बटन पर डाल दूँगी। सेम स्टिक में से मैंने कंसीलर लिया है और अपने फेस को कंसील भी कर लिया है ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो सके फेस, क्योंकि यहाँ पर हम ब्राइडल लुक कर रहे हैं, पार्टी लुक कर रहे हैं और आपका स्पेशल डे है, तो आप इस लुक को थोड़ा अच्छे से करें। और आपका फेस थोड़ा सा अगर मोटा है तो इसे ये स्लिम डाउन करने में मदद करता है। यहाँ ब्लू एवन का मैं ब्लश का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा स्माइल करके अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पर इसे अप्लाई कर लें और थोड़ा सा नोज़ पर करें तो काफ़ी क्यूट लगेंगे। अगर आपका फेस भी मेरी तरह आउल है तो इस तरीके से आप ब्लश लगाइए। उसके बाद यहाँ पर ब्लू हेवन का मैं सेम स्केच आईलाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो लिक्विड आईलाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीजिए और अपनी आईज़ के ऊपर इसे अप्लाई कर लें। यहाँ पर ब्लू हेवन का ही काजल का इस्तेमाल किया है, लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे थोड़ा सा थिक काजल मैं अप्लाई करूँगी। और उसके बाद सेम शेड जो मैंने अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई किया था, वही सेम शेड मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। आप थोड़ा सा हाथों से ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद अभी यहाँ पे बारी आती है हाईलाइट करने की। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ शिवाना का हाईलाइटर पैलेट से, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टाइम से मैं इस्तेमाल भी कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक नेचुरल ग्लो आता है आपके फेस के ऊपर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कलर बार की लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिप्स को कॉन्टोर कर लूँगी। यहाँ पर मैं येलो कलर की साड़ी, येलो और ग्रीन कलर की साड़ी पहन रही हूँ, तो उसके साथ मैं रेड कलर का लिपस्टिक लगा रही हूँ। शेड और सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वही सेम शिवर ब्रिज से मैं अपने लिप शेड के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी ताकि थोड़ा सा शाइन आ जाए। तो अभी अब देख लेते हैं हम फाइनल लुक। और हाँ सॉरी, मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो अभी मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है और अभी मैं फॉल्सेस लगाकर आपको तैयार होकर मिलती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। एक बार ज़रूर अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा है अनुप्रिया ब्लॉग्स के नाम से। तो ये साड़ी, ये ज्वेलरी मैंने ली है सिमसिम स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेम आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पर एक बार सिमसिम स्टोर पर ज़रूर चेकआउट कीजिए, वहाँ पर मेरा खुद का स्टोर है, तो वहाँ पर आपको अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं। तो एक बार वहाँ पर देख लीजिए, शायद आपको सस्ती मिल जाए वहाँ पर। ये गजरा भी आर्टिफिशियल है। तो कैसा लगा लुक मुझे ज़रूर बताइएगा।